राधे राधे सभी को। आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये प्रियंका के लिए सरप्राइज है। प्रियंका का जो नया मोबाइल था वो गुम हो गया था, तो प्रियंका अभी पुराना मोबाइल यूज कर रही है, तो मैंने सोचा आज प्रियंका के लिए मोबाइल ले लेते हैं, तो देखते हैं कौन सा मोबाइल पसंद आता है। ले। बिल बना के देंगे आप। इसका केबल केबल नहीं है ना इसमें? केबल नहीं है इसमें, केबल भी है, केबल भी है, बिना केबल के एक लाख का मोबाइल है। तो फाइनली मैंने मोबाइल ले लिया है। तो भैया रेट सुन के आए थे देखने की, इतने महंगा भी मोबाइल आता है, सोच रहे थे कि सस्ता मोबाइल होगा। हेलो राधे राधे सभी को। तो आज हम जा रहे हैं बुद्ध भगवान की मूर्ति को देखने, जो कि ये लेह लद्दाख गांव में बनी हुई है मूर्ति, लेकिन उनकी मुझे उसकी जगह नहीं मालूम है, तो हम आपको नहीं बता सकते कहाँ पे है। तो ये चुगलम से शायद 5 किलोमीटर पे है और ये ले से 15 किलोमीटर, तो ये सब हमें जानकारी नहीं है, जैसा सुना मैंने बताया आपको। तो देख सकते हैं ये मूर्ति दिखाई दे रही है येल्लो कलर की, तो यही वो मूर्ति है, बहुत मतलब ऊंची पहाड़ी पर है। तो हम रास्ता ढूंढ रहे हैं कहाँ से मुझे जाना है, तो देख सकते हैं अभी हम ये, तब तक मुझे बच्चे मिल गए थे वहाँ सुनसान जगह में, अकेले खड़े थे, तो मैं उसको पूछ रही हूँ कि कहाँ से बेटा आए हो, कौन हो, तो ये बता रहे हैं अपने बारे में। तो ये नेपाल के बच्चे हैं, यहाँ पे इनके मम्मी पापा कुछ मजदूरी करते हैं शायद। तो गुम्पा है ये, हाँ। और जाने का रास्ता यहाँ से है आपको, थोड़ा यहाँ पर हाइट है, बड़ा ऊंचा बना दिया। आज हम लोग गांव में घुस गए, कहीं दूसरे गांव में प्रियंका। हाँ सर, लेकिन बहुत चढ़ाई है, थक गए हम और उधर ही जाना है हम लोग, और हमने गाइड के लिए ले रखा है सर को, सर हमें गाइड कर रहे हैं। क्योंकि हमें यहाँ की लैंग्वेज नहीं आती, पता नहीं चलता ये क्या बोल रहे हैं, तो ये भैया बताते हैं हमें। आइए चलो। ये देखो प्रियंका थक गई। अरे मैं कहाँ आ गई देखे, और मैं थक गई। टूरिस्ट के कहाँ घूम रहे हैं, तेरा पहाड़ यहाँ देखो क्या है देखने के लिए, कुछ नहीं है, फिर रहे बिना फालतू में। हमारे यहाँ तो ऐसा कोई नहीं देखेगा, यहाँ है ही नहीं कुछ देखने के लिए, है ना? ये मूर्ति है ना, आप बोलो ये है ना मूर्ति, देखने के लिए आते हैं यहाँ पर लोग। हमारे यहाँ कोई नहीं देखेगा भैया, है ना? यहाँ पहाड़, आप लोगों के आप लोग पहाड़ है नहीं ना, इसलिए यहाँ पहाड़ है, पहाड़ देखने आ जाते हैं। ओ बाप रे, कितना ऊपर लिख दिया जाके, देख सकते हो, जूम करके दिखाता हूँ मैं। क्या लिखा है उसमें, बोधिस में लिखा है। भैया कैसे खड़े हो? और भैया देख लो कैसे खड़े हैं, कैसे खड़े तुम, कहाँ देख रहे जी, बंजर सो गाड़ी का रास्ता तो था ये है, देखो कैसे यहाँ इसके ऊपर चलते हैं। बहुत ऊंची चढ़ाई है तो हम लोग थक जाते हैं, और ये हमारे कैंप से लगभग 10-15 किलोमीटर दूर दिखता था पहाड़ पे, चढ़ गए, थक जाएगी लड़की, जो होगा अब हम आ गए। मैंने बहुत दूर खड़ी करी है, लेकिन ये रास्ता था, इसको देखने जा रही है इसी मूर्ति को। हम लोग कहाँ नीचे से आए हैं देखो,
ये तो थक गई, देखो लेट गई आते ही। देख सकते हो हम लोग वो नीचे से आया हूँ, वो नीचे से आया हूँ, वो नीचे से आया है। हमारा उधर कैंप है प्रियंका, बहुत दूर आ गया, हवा भी चल रही है। देख सकते हैं तो फाइनली वीडियो बना लिया है पूरा। ऐसे ही घर में बैठे थे, थोड़ा मन किया कि भाई साहब बोले कि चलो वीडियो बना के आते हैं, कहीं घुमा के लाते हैं। तो वैसे संडे को जाते हैं क्योंकि भाई साहब की छुट्टी रहती है संडे को, तो हम आज आ गए थे घूमने ये मंदिर देखने के लिए। तो बुद्ध भगवान का ये मंदिर है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। यहाँ का लोकेशन इस तरह से है, कुछ देख सकते हैं इधर पहाड़ी है, तो यही सब ऐसे ही लोकेशन है इधर के। तो जहाँ भी जाते हैं तो सब ऐसे ही दिखते हैं, ये पहाड़ी और छोटे छोटे मकान, जैसे ऊपर जहाज से देखते हैं हम लोग उसी टाइप से दिखते हैं। तो बहुत मतलब पहाड़ी पे हम लोग आ गए हैं ऊंचाई पे, तो देख सकते हैं। और जो पीला उसमें पूरे हाइट में जो पीला वाला है ना गोल चौकोर, वो ही कैंप है हमारा। तो वहाँ से हम यहाँ आए हैं, इतनी दूर का रास्ता है। तो देख सकते हैं बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। तो ठीक है, वीडियो को यहीं एंड करते हैं।